गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जमात तीन छठा सबक है हमारे खेल, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आज हम इसके सवालों के जवाब लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो सवाल नंबर एक है, पढ़ाई के साथ खेल क्यों जरूरी है? जैसे कि हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, जो भी हम यानी अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ते हैं, फिर स्कूल जाते हैं बच्चों, तो वैसे ही पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। तो सवाल नंबर एक है, पढ़ाई के साथ खेल क्यों ज़रूरी है? तो उसका जवाब आएगा, खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरे भी हो जाती है। तफरे यानी कि सैर करना, घूमना। इसलिए पढ़ाई के साथ खेल ज़रूरी है। सवाल नंबर दो है, शुरू में इंसान कहाँ रहता था? जैसे कि हम घर में रहते हैं ना बच्चों, तो उस जमाने में शुरू में इंसान कहाँ रहता था? तो उसका जवाब आएगा, शुरू में इंसान जंगल में रहता था। सवाल नंबर तीन, पहले ज़माने में इंसान की गुजर बसर कैसे होती थी? जैसे कि पहले इंसान कमाता नहीं था, कुछ काम नहीं करता था बच्चों, तो वो कैसे अपना गुजारा करता था? तो उसका जवाब आएगा कि पहले के ज़माने में इंसान के गुजर बसर जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी, यानी कि वो शिकार करके उसे कच्चा खाता था, इस तरह वो अपना गुजारा करता था। सवाल नंबर चार, शुरू शुरू में इंसान को किस खेल का शौक था? तो उसका जवाब आएगा बच्चों, शुरू शुरू में इंसान को तीरंदाजी का खेल का शौक था। अब सवाल नंबर पांच है कि हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से आने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों उसमें क्या आएगा, जैसे भारत हमारा मुल्क है, तो आपने सबक में देखा कि कबड्डी है, ठीक है, फिर कुश्ती है, गिल्ली डंडा है, वो हमारे मुल्क में खेला जाता है। अब और मुल्कों से कौन से खेल है? तो उसका जवाब आएगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट वगैरह हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से आने वाले खेल हैं। सवाल नंबर छः है, खेलों की अहमियत अब पहले से ज़्यादा है, क्यों? तो बच्चों खेलों की अहमियत मैंने आपको समझाया था कि उससे हमारी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है और हमारी सेहत भी ठीक रहती है और तफरीक का भी हमें फ़ायदा होता है। तो खेलों की अहमियत अब बढ़ गई है क्योंकि इनके ज़रिए दुनिया के मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारा पैदा करने में मदद मिलती है, ठीक है? तो अब ये सवालों के जवाब आप अपनी कॉपी में अच्छे अल्फाज में पढ़कर लिखेंगे, ठीक है बच्चों?